सत श्री अकाल फ्रेंड, ट्रिकिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड के धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताऊंगा। फ्रेंड्स, हम लोग कभी भी शॉप करते हैं और शॉपकीपर को अपना कार्ड देते हैं तो हमारे मन में डर रहता है कहीं वो उसका क्लोन ना बना ले, या अपन ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो हमारी कार्ड की डिटेल सेव हो जाती है और कभी भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। और आपको पता है कि अगर आप थोड़ी सी टेक्निक यूज करें तो आप कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उससे पहले अपन सतर्क हो जाए। तो क्या है ये तरीके, चलिए आइए अपन शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ICICI बैंक की सेफ्टी और टिप्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे और ये आई मोबाइल बाय ICICI बैंक, ये ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। मैं पहले से डाउनलोड किया हुआ इसलिए मैं इसको ओपन करूंगा। अब जैसे ही ओपन करेंगे आप, इसको ओपन करने के बाद आपको आपके सारे कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे आएगी। आपको यहाँ कार्ड इसको क्लिक करना है, आपके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सारे सो यहाँ पे होंगे। अब जैसे ये मेरे सब क्रेडिट कार्ड है, अब हमको क्या करना है, जो भी क्रेडिट कार्ड को हमको लॉक करना है, स्विच ऑन करना है, ऑफ करना है, उसको क्लिक करेंगे। पहले देखिए, मैंने ये अपना अभी ये कार्ड को क्लिक किया। अब मैंने इस कार्ड को पहले से ही देखिए ब्लॉक करके रखा हुआ है, दिस कार्ड इज ब्लॉक टेम्प्ररी। अब मेरा ये कार्ड, अगर किसी को इसकी सारी डिटेल पता भी लग गई, वो मेरा कार्ड यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर मुझे यूज़ करना है तो पहले मुझे ये कार्ड अनब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कार्ड मेरा यूज़ कर पाएगा। जैसे ये देखिए, ये ऐसे कार्ड अनब्लॉक करना है, ये कार्ड, योर कार्ड इज अनब्लॉक। अब मेरा कार्ड ये यूज़ हो सकता है, लेकिन मैं इसको हमेशा ब्लॉक रखता हूँ। जब मेरे को यूज़ करना रहता है मैं इसको तुरंत अनब्लॉक कर देता हूँ। और उसके बाद आपको एक चीज़ और आपको बतानी, मुझे ये मैनेज कार्ड में आप जाएंगे, ये मैनेज कार्ड में आपको दिख रहा है ATM विड्रॉल, अगर आप इसको आप ऑन करेंगे तो आप इसमें से ATM से पैसा निकाल सकते हैं। जब आपको ATM से, पहली बात तो मैं आपको ये मना ही करूँगा, ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड से कभी भी ATM से पैसा ना निकालें, लेकिन आपकी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको निकालना है, या डेबिट कार्ड है आपका, तब आप इसको ATM कार्ड को ऑन करेंगे और ATM कार्ड से आप पैसा निकाल लेंगे, और जैसे ही आप पैसा निकालेंगे इसको वापस इसको लॉक कर देंगे, ताकि अगर आपका पिन किसी को पता भी लग गया या आपका कार्ड का कोई क्लोन बना लिया तो भी वो आपका कार्ड यूज़ करेगा तो भी सारे ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होंगे। और ये दूसरा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जब आपको पेमेंट ऑनलाइन करनी हो तब इसको आप ऑन करेंगे, और अगर आपको ऑनलाइन जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा फिर वापस इसको ऑफ कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसको हमेशा ऑफ करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है हम विदेश हमेशा तो विदेश में रहते नहीं, जब भी हमको साल में एक बार दो बार या जब भी काम से हमको जाना है तब अपन इसको ऑन कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, जब हम विदेश से आ गए वापस इसको ऑफ कर देंगे। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में खास कर ध्यान रखेंगे कि इसको हमेशा ऑफ ही रखना है, जब जरूरत हो तभी ऑन करना है, क्योंकि ये बिना CVV, ये बिना OTP के आपके ट्रांजेक्शन हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में सिर्फ आपका नंबर, कार्ड की एक्सपायरी डेट और CVV, बस इतना मिल जाए, बिना OTP के आपका पूरा बैंक बैलेंस नील हो सकता है। इसको अगर आप इसको लॉक रखेंगे तो आप एकदम सेफ रहेंगे, आपका विदेश में कोई भी पैसा, आपका ट्रांजेक्शन कहीं भी कोई भी दूसरी कंट्री से नहीं निकाल सकता। उसके बाद ऐसे ही सिमिलर मैं दूसरे कार्ड, सारे कार्ड, डेबिट कार्ड को भी इसी तरह कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा देखिए, मेरे सारे कार्ड है, ये सब कार्ड मैंने ब्लॉक करके रखे हुए हैं, मैनेज कार्ड में सब ब्लॉक, जब मेरे को ज़रूरत होती है मैं तीनों इसको ऑन कर लेता हूँ। और भी मेरे पास बहुत सारे कार्ड है ICICI बैंक के ही, इसके अलावा मेरे पास ICICI बैंक के टोटल 10 से 12 कार्ड है, ये अभी पास 6 कार्ड है, और एक ऐप है उसमें मैंने 7-8 कार्ड और दूसरे नंबर पे लेके रखे हुए हैं। देखिए, ये कार्ड की अवेलेबल लिमिट 1,29,000 रुपये। अब ये मैंने इस कार्ड में गया, मैं ये सब ऑफ कर दी, जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं इसको ऐसे ऑन कर दूंगा। ये हो गया मेरे को जब कार्ड की ज़रूरत है। अगर मेरे को कहीं पता है मार्केट जाना है और वहाँ पे हमारा नेटवर्क का इशू है तो इसको पहले से ऑन करके चले जाएंगे, और जैसे ही जब आपका कार्ड का यूज़ हो गया उसके बाद इसको वापस आप
अनब्लॉक कर देंगे, और ये कार्ड को अनब्लॉक करेंगे तभी आपका ट्रांजेक्शन होगा। ये खाली ICICI बैंक में इतनी सारी सिक्योरिटी दी है, वरना बाकी सब बैंकों में सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ रहता है, सिर्फ दो ही ऑप्शन रहता है, स्विच ऑफ कर दिया यानी अब आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, उसको स्विच ऑन करना पड़ता है। लेकिन ये आप ICICI बैंक में ये फैसिलिटी है कि आप अलग अलग अपने ज़रूरत अनुसार आप क्या चीज़ ऑन रखना है क्या ऑफ रखना है आप रख सकते हैं। ATM विड्रॉल अलग से रख सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेशनल कार्ड को अनब्लॉक ब्लॉक। और इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक मैनेज क्रेडिट लिमिट है, सारे कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब में रहता है, इसको आप क्लिक करके इसको ज़रूर यूज़ करेंगे। देखिए अभी मेरा क्रेडिट कार्ड है, इसमें 1,29,000 रुपये इसकी लिमिट है, अभी अवेलेबल लिमिट 1,29,000। अब मुझे 1,29,000 तो हर महीने ज़रूरत होती नहीं, मेरा काम है मात्र इस कार्ड में ICICI बैंक में कोई 10,000-20,000 की ज़रूरत है, तो मैं इसको क्या कर दूँगा, 15,000 की मान लो मेरे को ज़रूरत है, मैं 15,000 इसको सबमिट कर दूँगा। अब ये मेरे कार्ड की लिमिट आज सेट हो गई 15,000 रुपये। अब मान लो मैंने ये कार्ड को गलती से, देखिए ये मैसेज आ गया कि आपकी कार्ड की लिमिट, डियर कस्टमर द क्रेडिट लिमिट फॉर योर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन 15,000, ये 15,000 ये हो गई। अब मान लीजिए मैंने कार्ड को सब ऑन रखा हुआ है और कभी गलती से किसी को मेरे सीक्रेट जो भी है पता लग गए सारी डिटेल्स, उसके बाद भी अगर वो अगर ट्रांजेक्शन करता है तो 15,000 से ऊपर वो ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। मान लीजिए मैंने 10,000 यूज़ कर चुका है तो वो 5,000 का ही ट्रांजेक्शन कर सकता है, अगर वो 15,000 से ऊपर निकालने के लिए मेरे कार्ड से करेगा तो उसका ट्रांजेक्शन सीधा डिक्लाइन हो जाएगा और तुरंत हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि आपके इतनी अमाउंट आपके कार्ड से निकल रही है। मान लो उसने 25,000 का ट्रांजेक्शन करना चाहा, तुरंत मैसेज आ जाएगा कि 25,000 डिक्लाइन हो गया, और इससे मैं अलर्ट हो जाऊंगा और तुरंत अपना ये कार्ड को मैं मैनेज कार्ड में जाके ब्लॉक कर दूंगा, यहाँ से ये ब्लॉक कर दूंगा। मुझे ये पता लग जाएगा कि ये मेरा कार्ड की डिटेल किसी को पता लग गई है और तुरंत ब्लॉक करके न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। फ्रेंड बस ये इतनी छोटी सी ये सेटिंग है, अगर ये आप सेटिंग अगर करके रखेंगे तो आप हमेशा आपको कोई भी डर नहीं, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में भी अगर आपके कार्ड सेव रहेंगे तब भी आपके आपके बिना कोई भी आपके कार्ड से पैसा नहीं निकाल पाएगा, इसलिए आप सतर्क रहे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ये सेफ्टी वाली जो चीज़ें हैं सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड। अगर ICICI मोबाइल के आई मोबाइल ऐप को आपको चलाने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड। और एक मैं आपसे एक GK का टेस्ट लेता हूं, देखता हूं आपको कार्ड के बारे में कितनी जानकारी। आप यहां पे मेरे कुछ 5-6 कार्ड देख रहे होंगे, जो 3 से स्टार्ट होता है वो है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता दूँ। और जो 4 से स्टार्ट होता है वो वीज़ा कार्ड होता है, और जो 5 से स्टार्ट होता है जो वो मास्टर कार्ड होता है। आप एक देख रहे होंगे मेरा एक कार्ड 9 से स्टार्ट होता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ आप लोगों को पता है कि नहीं ये कौन सा वाला कार्ड है जो 9 से स्टार्ट होता है। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता है तो देखते हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।